हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं यामाहा की R15 BS6 वर्जन 3 के बारे में बात करनी। तो अब BS6 में आपको कलर अपग्रेड, आपको मोस्टली आपको इसमें कलर अपग्रेड मिल जाता है, जिसमें आपका व्हील का कलर है वो भी चेंज कर दिया गया है, अलॉय व्हील का कलर। सो बेसिकली मोस्टली चेंज इसमें यही है कि इसमें अलॉय व्हील का कलर चेंज कर दिया गया और थोड़ी इसमें ग्राफिक्स चेंज कर दी गई है और इसमें BS6 का भी इंजन आने लग गया। तो ये अब ये तो सब जानते हैं कि ये स्टूडेंट लोग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और ये अपने प्राइस सेगमेंट में ये बेस्ट गाड़ी है। तो अब हम बात करते हैं, इसमें और एक फीचर दिया गया है, साइड स्टैंड का फीचर। और इसकी ग्राफिक्स देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक्स आपकी कर दी गई है इसमें। इसमें लुक्स काफ़ी दमदार हो गया है और ये देखने में अब और पहले से भी अच्छा लगता है। सो अब हम फ्रंट से बात करते हैं। तो फ्रंट में इसमें विंडशील्ड देख सकते हैं, फिर इसके बाद इसमें दोनों तरफ मिरर मिल जाती है, दो मिरर मिल जाती है फ्रंट में, अच्छी मिरर है। और इसके बाद आप इसमें आपको दोनों दो लाइट मिल जाती है, डिपर मिल जाता है और बीच में आपको ग्रिल मिल जाती है, दोनों लाइट के बीच में ग्रिल मिल जाती है, एयर ग्रिल, जो आपकी गाड़ी को और ठंडा रखने में काम करती है। तो ये हो गई थोड़ी सी फ्रंट लुक की बात। और अब हम आते हैं इसके सस्पेंशन पे। तो इसके सस्पेंशन में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और डिस्क ब्रेक आपको 282 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, वो भी ABS के साथ, और 17 inch की व्हील साइज़ है इसकी। तो व्हील साइज भी अच्छी है इसमें। और इसमें अब हम आते हैं इसकी डायमेंशन की। तो डायमेंशन की बात करते हैं तो लेंथ इसकी 190 mm है, विथ इसकी 720 mm की है, हाइट इसकी 1135 और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm की है और व्हील बेस इसका 1325 mm का। और इसका टोटल वेट आपका पड़ जाता है 142 kg। और इसमें आपको ग्राफिक्स की तो कहने ही नहीं है, पहले से ये ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स इसकी हो गई है। इसको वेरिएबल वॉल्व एक्शन क्या सिस्टम है इसमें कुछ, फिर अब हम आते हैं इसके बैक पोर्शन पे, रियर लुक के बारे में। तो रियर लुक में आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, फिर ग्रैब हैंडल मिल जाता है, फिर आपको जो कि ग्रैब हैंडल और जो कि आपको इसमें ग्रिप के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि मोस्टली आप KTM में भी देखेंगे तो ग्रैब हैंडल के कारण इसमें दिक्कत हो जाता है। फिर आपको 17 इंच का इसमें रेडियल टायर मिल जाता है, डुअल चैनल ABS डिस्क ब्रेक्स, जिसकी साइज आपको मिलती है डिस्क ब्रेक की 220 mm। फिर आपको इसमें रियर सस्पेंशन जो कि गुड ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन का है वो भी अच्छा है, मोनो सस्पेंशन। एग्जॉस्ट मफलर कवर भी आपका फाइबर प्रिंट का है। फिर आपकी इसमें एक सबसे अच्छी फीचर है साइड इंजन कट ऑफ फीचर, जो कि आप जैसे आप मान लीजिए आपकी गाड़ी गियर में है तो गियर में आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी जब तक ले आप स्टैंड को उठाएंगे नहीं। अब हम इसके सीट पे आते हैं। तो इसकी सीट हाइट इसकी थोड़ी ज़्यादा है, तो सीट हाइट इसकी पड़ जाती है 815 mm की, जो कि आपको कम्फर्ट फील तो देगी पर पीछे वाले को थोड़ा ऊपर फील लगता है इससे। इसकी फ्यूल कैपेसिटी, तो अब बारी है फ्यूल कैपेसिटी, जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी चीज़ रहता है। तो इसका फ्यूल कैपेसिटी है 11 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, जो कि अच्छा है। आप कम से कम इससे 400 से 500 किलोमीटर आप लगातार जा सकते हैं, इस गाड़ी को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप लंबे दूरी में जाते हैं तो कोई लंबा राइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फ्यूल के कारण। अब हम आते हैं इसके मीटर के में, मीटर और स्विचेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइट के लिए यहाँ पे स्विच मिल जाता है, लाइट के लिए फंक्शन का स्विच है ये, तो इसमें आप, फिर ये हो गया साइड इंडिकेटर के लिए स्विच और ये हॉर्न के लिए, फिर यहाँ पे एक क्यू स्विच मिल जाता है और ये हो गया सेल्फ स्टार्ट के लिए स्विच।
आपको इसमें असिस्ट एंड स्लिप क्लच मिल जाते हैं। और अब हम आते हैं इसके मीटर पे, तो मीटर इसका मेन फोकस है, मेन क्योंकि इसमें मीटर में इस बार बहुत कुछ दे दिया गया है। जैसे कि आप इसके मीटर में, आप पहले तो ऑडोमीटर, आप पहले हो गया इसका ऑडोमीटर, फिर आपको इसका मीटर में आपको गियर के बारे में इसमें पता चल जाए कि कौन से गियर में गाड़ी चल रही है। फिर आपको इसमें ट्रिप मीटर दिया गया है, फिर ट्रिप मीटर के बाद इसमें आपको फ्यूल का पता चल जाएगा। इसमें फ्यूल के भी अच्छी है, अच्छा सा दिखाता है फ्यूल कितना है। फिर आप यहाँ पर टर्न लाइट देख सकते हैं, और यहाँ मीटर के ऊपर में भी एक छोटा सा लाइट दिया हुआ है। तो ये हो गई इसकी मीटर की बात। अब मीटर के बाद इसके आप लुक्स, ये लुक्स के लुक्स में तो ये दमदार गाड़ी है, और ये दाम के हिसाब से बिल्कुल सुटेबल है, और ये यंगस्टर में तो बहुत ज़्यादा ही फेमस गाड़ी है। और इसका माइलेज है 40 to 45 किलोमीटर अगर आप अच्छे से चलाते हैं तो। और इसका एक्सचेंज शोरूम प्राइस है 1.49 एक्सचेंज शोरूम प्राइस लाख।